राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग का श्लोक 19 देखते हैं। पहला चरण नान्यम, ना ना के बाद है आधा न, नान य पूरा य में अमिक्स करेंगे, नान्य शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा म, नान्यम गुणे आधा भ गुणे य, य पूरा य में अमिक्स करना है। यहां विशेष के ध्यान देखने की जरूरत है कि भ को आधा ही बोलना है, कोई भय नहीं बोलेगा। गुणे भ्य य पूरा य में अमिक्स किया और य में अ की मात्रा, इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह। गुणे भ्य क तापर है र की मात्रा, आप इसको राइट साइड में देख सकते हैं, ऊपर जो मात्रा है वो आधा र और तापूरा आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ना है। करता करता र करता र, र पूरा है और शब्द पूरा होने के बाद र पर अनुस्वार आधा म, करता रम। पहला चरण वापस नान्यम गुणेभ्य करता रम। दूसरा चरण यदा य पूरा य में अमिक्स करेंगे, यदा द्र, द्र का अर्थ हुआ द आधा और र पूरा, ये जो मात्रा है ये है र, इसको क्या पढ़ा रहेगा द्र, ध्यान दें ये है द्र आधा श, द्रष्टानु द्रष्टानु मात्रा छोटी है लंबा नहीं खींचना, द्रष्टानु प आधा श पश यति, य पूरा है ना य में अमिक्स किया है पश यति। दूसरा चरण वापस यदा द्रष्टानु पश्यति, पहला और दूसरा चरण साथ में नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम्, यदा द्रष्टानु पश्यति। तीसरा चरण गुणे भ्यश भ आधा य पूरा और आदश गुणे भ्यश, गुणे भ्यश च पूरा है च में अमिक्स करेंगे, गुणे भ्यश्च प और र दोनों पूरे पूरे अक्षर दोनों में अमिक्स करेंगे, पर शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा म, परम वे आधा त वित्ति, ध्यान दे इसको कैसे पढ़ना है वित्ति। अब ये आधा त और ती कैसे बना इसको इधर देखेंगे, ये पास में जो छोटी लाइन है ये है आधा त और एक पूरा त आपको दिख ही रहा है, उस पर ई की मात्रा लगा दी वित्ति वित्ति। तीसरा चरण वापस गुणेभ्यश्च परम वित्ति। चौथा चरण मद, आधा द है मद भावम, भाव व पूरा व में अमिक्स करना है, भाव शब्द पुराने के बाद अनुस्वार आधा म, मत भावम। सो पर अवग्रह, अवग्रह के कारण सो की मात्रा को आपको लंबा खींचना है, सो धी धी को लंबा नहीं करना, सो को लंबा करना, सो धी ग आधा च गच्छति। अब यहां पर जो ये दो चीजें लिखी हुई है ये वाली चीज ये कहां से बनी है, इस तरह से लिखा हुआ है तो ऊपर वाला आदर्श है और नीचे च पूरा है, सेम उसी तरह से ये चीज कैसे बनी ये देखिए, इसमें द आधा है भ आपको पूरा लिखा हुआ दिख रहा है, जो पूरा अक्षर है उस पर आ की मात्रा लगा दी इसलिए आधा द और भा बना। अब तीसरा और चौथा चरण साथ में गुणेभ्यश्च परम वित्ति मद्भावम सोधि गच्छति। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ करेंगे, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वित्ति मद्भावम सोधि गच्छति। एक बार वापस नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम् यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वित्ति मद्भावम सोधि गच्छति। अब इस श्लोक का अर्थ, यदा जब दृष्टा देखने वाला, देखने वाला कौन, यहां पर विवेकी पुरुष से दृष्टा शब्द लिया गया, विवेकी वो जो मनुष्य शरीर पाकर अपने विवेक का सदुपयोग करे,
जो ये बात माने कि वह आत्मा है, अविनाशी है, सहज सुख राशि है, वह शरीर नहीं है। इसके कारण शरीर से कुछ भी सुख की ना आशा है, ना ही शरीर से कुछ भी किसी से मांगने की आशा है। ठीक है, वो हुआ दृष्टा। अब यहां पर दृष्टा और अनुपश्यति यानी देखता है। दृष्टा में आ और अ की मात्रा जुड़ी हुई है तो दृष्टा अलग हो गया और अनुपश्यति यानी देखता है। नान्यम में न और अन्यम ये दो शब्द जुड़े क्योंकि न में अ की मात्रा और अन्यम अ और अ मिलकर आ बन गया है। तो न धन अन्यम, न का अर्थ हुआ नहीं और अन्यम यानी किसी दूसरे को। गुणेभ्यः तीन गुण कौन कौन से, सात्विकी, राजसी और तामसी। कर्तारम कर्ता, क्या कहने का मतलब हुआ कि जब विवेकी मनुष्य तीन गुणों के अतिरिक्त किसी और को कर्ता नहीं देखता है, मतलब उसकी दृष्टि में केवल कर्ता कौन है जो तीन गुण है सात्विक, राजसी और तामसी। गुणेभ्यश्च च, और उन गुणों से, कौन तीन गुणों से, सात्विक, राजसी और तामसी से अपने आप को जो परम वित्ती, परम यानी अलग, वित्ती अनुभव करता है, पर यानी अलग अनुभव करता है, किससे कि जो सात्विक, राजसी और तामसी ये जो तीन गुण है वो इस शरीर में है, ना कि मेरे अपने स्वरूप में, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है, अविनाशी सहज सुख राशि, परमात्मा का स्वरूप है। इस वजह से परमात्मा का अंश होने के कारण हम इन तीन गुणों से परे हैं। ऐसा जो जान लेता है मत भावम, भगवान कहते हैं वो मेरे भाव को सोदिगच्छति प्राप्त होता है। वापस एक बार बताते हैं, जब विवेकी मनुष्य स्वयं को तीन गुणों के, जब विवेकी मनुष्य तीन गुणों के अतिरिक्त किसी को भी कर्ता नहीं देखता है और अपने को गुणों से परे अनुभव करता है, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण 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 नारायण।